अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शिनाज और आप लोग देख रहे हैं कुकिंग विद शिनाज यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए फिश नगेट्स की रेसिपी लेके आई हूं। तीन अदद मैंने मिर्चें ली, इसको मोटी मोटी काट लिए। पांच अदद मैंने लहसुन की जवे लिए और दो अदद मैंने अदरक का टुकड़ा लिए, ये भी हम डाल देंगे इसके अंदर। पहले हम इसको पीसेंगे, अब हम इसको निकालेंगे। ये आठ पीस मैंने छोटे साइज की डबल रोटी ली है, इसको हम ग्लेंडर करेंगे। देखिए मैंने इसके पीस कर लिए, अब हम ये भी डबल रोटी डालेंगे। देखिए ये पीस गए और इस तरीके से हम सारे पीस लेंगे। इसके पीस आधा किलो मैंने फिश लिए और उसको मैंने सिरके में और नमक लगाकर थोड़ी देर के लिए रख दी थी। अब फिश को सही तरीके से धो लिए और फिर छन्नी में डाल दी थी मैंने, और हम इसको अब पीसेंगे। हम फिश डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि मेरी ना मशीन बहुत छोटी है, मैं इसमें थोड़ी थोड़ी करके डालूंगी इसके अंदर, और जो मैंने डबल रोटी पीसी थी वो डालेंगे हम। देखिए पीस गया है और इसी तरीके से हम सारे पीस लेंगे। देखिए पीस गया और हम इसमें मसाले डालेंगे। वन टीस्पून मैंने जीरा लिया पिसा हुआ, वन टीस्पून मैंने धनिया लिया पिसा हुआ, ये व्हाइट मिर्ची ली मैंने वन टीस्पून, और हाफ टी स्पून मैंने काली मिर्ची ली है, ये भी डाल देंगे। वन टीस्पून मैंने नमक लिया हसब ज़रूरत, हाफ टी स्पून मैंने ऑर्गेनो लिया। इन सबको हम मिलाएंगे, और ऑर्गेनो आपके पास हो तो डालना, वरना नहीं हो तो नहीं डालना। देखिए मैंने मिला लिए, मिक्स कर लिए सारा, और अब हम इसके नगेट्स बनाएंगे। एक अदद मैंने अंडा लिया, इसको फेटेंगे हम। मैंने ये तेल लिए और हाथ पे लगाएंगे पहले हम। देखिए ये मैंने बना लिया, आप पहले हम अंडे में डालेंगे। अब हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। एक एक रखते जाएंगे, फिर तेली में गीली करूंगी, फिर हम बनाएंगे इसमें। आप कोई सी भी शेप में बना सकते हैं, अलग अलग शेप में। ये बिल्कुल मैं सीधा बना रही हूं। अंडे में डिप करेंगे हम। फिर इसमें करेंगे दोबारा। इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। देखिए ये मैंने सारे बना लिए, अब हम इसको फ्राई करेंगे। चूल्हा ऑन करेंगे हम। एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, इसको बिल्कुल हल्की आंच पे तलने। एक कप तेल लिए मैंने, जब तेल गर्म हो जाए तो बिल्कुल हल्की आंच कर देंगे हम इसकी। पांच मिनट के लिए तेल गर्म करेंगे, फिर इसकी हल्की आंच कर देंगे हम। पाँच मिनट हो गए हैं, तेल भी गर्म हो गया है हमारा। अब हम इसमें नगेट्स डालेंगे। पांच मिनट हो गए इसको पकते हुए, अब हम इसको पलटेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने अच्छे बने हैं ये।
आप जरूर इसको ट्राई करिएगा। क्योंकि मैंने बिल्कुल अलग बनाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 5 मिनट अब नीचे से पकाएंगे हम। 5 मिनट हो गए, अब हम इसको निकालेंगे, डिश आउट करेंगे। देखिए ये नरगिस तैयार हो गए। अगर आपको इसको बनाकर रखना है तो डीप फ्रीजर में बनाकर रख सकते हैं, मगर ज्यादा दिन के लिए नहीं, क्योंकि मछली है। अगर चिकन के होते तो ज्यादा दिन के लिए रख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर आऊंगी लौट के नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।